हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिसी बाजार के ऊपर। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसको यहाँ पे हम लोग पीवी फिनटेक के भी नाम से यहाँ पे जानते हैं। सो इस कंपनी से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पे न्यूज़ हम लोगों को देखने को मिल रही है, जिसका इम्पैक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मॉर्निंग के टाइम में इस कंपनी की अगर हम लोग बातें करें तो यहाँ पे करीब करीब इसमें 4% की रैली हम लोगों को इस पोजिशन पर देखने को मिली है। ठीक है, देन यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर, उसके वजह से एक इसमें भी हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग यहां पे देखने को मिली है। तो यहां पे हम लोग बातें करने वाले हैं एक बड़ी न्यूज़ के ऊपर। जी हां दोस्तों, एंड वो जो न्यूज़ है वो आपको हम बता दें कि पार्टनरशिप से रिलेटेड यहां पे चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। एंड वो भी पार्टनरशिप किससे हम लोगों को देखने को मिली दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं कि LIC से रिलेटेड ये न्यूज़ हम लोगों को देखने को मिल रही है, जिसमें LIC और हमारी कंपनी पॉलिसी बाजार की यहाँ पे पार्टनरशिप से रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिल रही है। सो एग्जैक्टली यहाँ पे न्यूज़ क्या है, चलिए चलते हैं उसी के ऊपर। सो दोस्तों, अभी यहाँ पे हम लोग सीधा न्यूज़ के ऊपर आ गए हैं, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी कंपनी की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो उसका यहाँ पे LIC से रिलेटेड यहाँ पे पार्टनरशिप हम लोगों को देखने को मिल रही है। एंड जिसके बदौलत मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी में अच्छी जंप देखने को मिली, जैसा कि अभी जस्ट यहाँ पे मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, सो ये जो पार्टनरशिप है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका जो आउटलुक है, अगर हम लोग पॉलिसी बाजार की हम लोग यहाँ पे बातें करें तो उसको यहाँ पे बूस्ट कर सकती है। क्योंकि यहाँ पे अगर इस पार्टनरशिप में देखा जाए तो दोस्तों, यहां पे अगर हम लोग LIC की बातें करें तो आप यहां पे देख सकते हैं कि उनके ये जो पार्टनरशिप में एग्रीमेंट हुई है दोस्तों, उसके तहत आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोडक्ट विल नाउ बी अवेलेबल ऑन द ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे LIC के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सभी हम लोगों को पॉलिसी बाजार में यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट यहाँ पे होते हुए हम लोगों को देखने को मिला है। एंड ये न्यूज़ आप देख सकते हैं कि 10:23 आज के दिन यहाँ का हम लोगों को देखने को मिला है। सो बहुत ही शानदार न्यूज़ हम लोगों को इस देखने को यहाँ पे मिल रही है, जिससे रिलेटेड मार्केट ने अपना रिस्पांस यहाँ पे दिखाया था, जो कि 4% की तेज़ी के साथ यहाँ पे देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों, अगर इस न्यूज़ के इस मतलब जो मेजर फायदा है उसकी अगर हम लोग बातें करें तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में हमको देखने को मिलने वाला है। अभी देखा जाए तो यहाँ पे इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे ये कंपनी आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप लोगों को इसका असर हम लोगों को इस कंपनी पर ज़रूर से यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोगों के पास ये कंपनी है दोस्तों, तो मैं यही कहूँगा कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप रखिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये कंपनी अभी बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को रिस्की भी यहाँ पे देखने को मिलती है, तो रिस्क को भी यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो उसको देखने के बाद अगर आप इस कंपनी को होल्ड करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगती है तो रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। मेरे हिसाब से अगर हम लोग बातें करें तो कंपनी यहाँ पर अभी ग्रोइंग मोड में है, लेकिन अभी अगर आप इस कंपनी का डाटा देखेंगे दोस्तों, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट है 19, 20 और 21, ये देखिए साल साल भर में ये कंपनी घाटे में ही चल रही है, लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिले, जो घाटा है वो कम होते हुए हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सो ये एक रिस्क है, इसको आप जरूर यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो उसको देखने के बाद अगर आप इस कंपनी को यहाँ पे लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहते हैं तो बेशक आप इसको कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। सो इस कंपनी से रिलेटेड जो अपडेट थी, जो न्यूज़ थी, वो मैंने आपको बता दी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।